हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक सिंह। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियाज लोकेशन एंड देयर साइज, भारत की अवस्थिति और उसके आकार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। हम ये जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर को जानने का कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। टॉपिक्स का अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इंडियाज लोकेशंस, देयर रिलीफ, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द मेजर लैंड फॉर्म्स, फीचर्स एंड देयर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एसोसिएशन विद देयर सॉइल्स, देयर मिनरल्स, देयर रॉक्स। नाउ वी came to the chapter and you have to see this map. This is the map of India. First of all, we know about their locations and their size. Now we are talking about the location of the chap of the India. India have a great physical and cultural diversity. भारत का बहुत ही बड़ा भौतिक विन्यास और सांस्कृतिक विविधता है। भारत के क्षेत्र में बहुत बड़ी भारत का एक बहुत बड़ा फिजिकल ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी दिखता है, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखता है। और इंडिया का अगर हम लोकेशन का बात करें तो इंडिया जो है वो विश्व का सातवां बड़ा एरिया में देश है। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर ये दूसरा बड़ा देश है। अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो भारत के लोकेशन का जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। दिस इज इंडियन ओशन, this is our Indian Oceans. You see the Indian Oceans, this is the Indian Oceans, that is the head of India's head on head on the Indian Oceans. And India is the only country, Bharat ek aisa desh hai jo kisi oceans ke naam, Bharat ke naam se kisi oceans ka naam pada. And the second thing is that India east and the west, look, we are talking about the locations. Their eastern part, it is a part of Indochina Sea, and their western part, this is Arabian Sea. This is Indochina. This is a Indian Oceans. So it is their locations. We are talking about the locations. India have a great physical and cultural diversity. Now we are talking about the size. What is the size of the India according to the world? First of all, we know about their size. We know that size in the terms of size, it have 3.28 square kilometer. We are talking about 3.28 square kilometer, लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, इसका लेंथ और ब्रेथ है। और ये कहा जाए तो दुनिया का 2.42% है। इट इज अबाउट 2.42% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया। पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको जो दिख रहा है वो उसके लेंथ और उसके ब्रेथ का एरिया है और वो दुनिया का 2.42 है। और ये दुनिया में 7th पोजीशन पे है। इससे पहले 6 और देश हैं, इसके बारे में आप किताब में भी देख रहे होंगे और आपकी किताब में दिया भी हुआ है। तो 6 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला देश है वो रशिया है। द फर्स्ट वन इज़ रशिया, द सेकेंड वन इज़ कैनेडा, the third one is USA, the fourth one is China, fifth one is Brazil, and the sixth one is Australia, and the seventh is India. Now it is their size. Now we are talking about the length and the breadth of India. So it is a, this line is called longitude line and this line is called latitude line. According to their size, north to south, they have 3.14 kilometer, and in east to west
इट हैव 2933 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द आवर कंट्री, देयर लैंडमास एरिया, दिस इज कॉल्ड लैंडमास एरिया एंड द लैंडमास एरिया इज 15200 किलोमीटर एंड देयर कोस्टल लाइन, दैट इज देयर कोस्टल लाइन, दिस इज 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार. Now we are talking about this thing. This is this line is called north and south line. This is 3214 kilometer. This is east to west line. This is 2933 kilometer. This is a landmass area. This is 15,200 kilometer, and this is a coastal line area. This is 7516.6 kilometer, including Andaman and Nicobar Island. Now we are talking about the size and their locations. And the next topic is latitudes, because we are studying about the fourth and five things in these chapters. The first one is location, then the second one is size, the third one is latitude, the fourth one is longitude, their inland boundaries. All these things are including in the size and their locations. Okay,